दोस्तों आज है day 7 हमारा ऊटी ट्रिप का और हम लोग अभी निकल चुके हैं ऊटी का होटल से। आज का प्लान हम लोग शायद वो हाई हिल टी जाएंगे और बॉटनिकल गार्डन का सोच रहे हैं या फिर रोज गार्डन और चेरिंग क्रॉस रोड है। चेरिंग क्रॉस रोड पे एक शॉपिंग सेंटर की तरह ही है ऊटी का, थोड़ा बहुत उधर घूमेंगे। बारिश हो रहा है यहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कहीं कहीं जगह पे वाटर लॉगिंग की वजह से रोड ब्लॉकेज है। तो कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट रूट वगैरह लेकर के दूसरा जगह कुछ घूमेंगे, देखते हैं आगे का क्या प्लान है, बताते जाऊंगा आपको। और अभी तक का तो यही प्लान है, देखते रहिए आप ब्लॉग आगे। और शायद आपको अच्छा लग रहा होगा ये पूरा ऊटी का सीरीज, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो भी मिल जाए, और देखते रहिए। बारिश हो रहा है, टेम्परेचर भी 10 डिग्री के आसपास है, ठंड अच्छा खासा है। हम लोग कार के अंदर हीटर ऑन करके बैठे हुए हैं। छिपा ऊपर को तो जाओ नहीं तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाई हील टी पे। मेरे पीछे में देख सकते हैं यहाँ पे हाई हील टी है और लोग यहाँ पे नॉर्मली चॉकलेट टी पीने आते हैं। चॉकलेट टी पी के देखेंगे कैसा टेस्ट है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। पीछे में देख सकते हैं पूरा टी गार्डन से ऊपर में और पीछे की तरफ में क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये जगह। लोग मैंने जैसे बताया टी चाय वगैरह पीने आते हैं। अभी बारिश थोड़ा रुका है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। हम लोग सुबह से जब निकले थे बारिश ही बारिश हो रहा है, कहीं हम लोग रुक नहीं पा रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक बार चाय पी लेंगे और भी जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे टी फैक्ट्री, जाएंगे चॉकलेट फैक्ट्री, सब घूमेंगे कैसे बनाते हैं टी, कैसे प्रस्तुत होता है, चॉकलेट कैसे बनता है वही देखेंगे। और यहाँ पर पहले चॉकलेट टी पियेंगे अभी। ये है हाई हिल टी। यहाँ पे चॉकलेट टी पीने का मज़ा काफ़ी अलग है। बारिश हो रहा है बाहर, टी गार्डन है ऊपर और हम लोग हैं अभी हाई हील टी पे और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं, देख सकते हैं। मैंने चॉकलेट टी ऑर्डर किया, 20 रुपया प्राइस है इसका, काफ़ी टेस्टी है और जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी का चाय, कॉफ़ी, ब्लैक टी सब कुछ मिल जाएगा। यूकेलिप्टस ऑयल भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इस तरफ में पफ और चाय का आइटम्स यहाँ पे मिलता है, आप वो भी यहाँ से मज़ा ले सकते हैं। ग्रीन टी 325, जिंजर टी 200, मसाला टी 200, चॉकलेट टी 200, कार्डमम टी 200 एंड यर डस्ट टी 140 एंड द ब्लैक टी इज 160 पर हाफ के जी पैकेट्स। वेट करेल पाहिजे बरं। With it, I'll add cocoa butter, sugar, milk powder. How we get cocoa butter means before roasting the bean, I'll break it and I'll boil it. चॉकलेट फैक्ट्री का हो चुका है
अभी हम जा रहे हैं टी फैक्ट्री के पास, ऊपर है टी फैक्ट्री। देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू है सिटी का। ये है ऊटी बेंचमार्क टी फैक्ट्री और आउटलेट। यहाँ पे चाय का पत्ता यहाँ पे डाला जा रहा है और एक कॉम्प्लीमेंट्री चाय फॉर टेस्टिंग। ये है मशीनरी पार्ट्स। ये फाइनल प्रोसेस है जो कि चाय निकालने का देख सकते हैं, और ये फाइन टी ये ट्रे से निकल के बाहर की तरफ जाकर फिर पैकिंग होके बेचा जाएगा। यह है टी का सेल्स काउंटर। मसाला टी, लेमन टी, कार्डमम टी, जिंजर टी सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे चॉकलेट के लिए सेल्स काउंटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का चॉकलेट आप खरीद सकते हैं। क्या नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। बारिश थोड़ा बंद हुआ है और क्या जगह है, इस तरफ देखो आप लोग। हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, चैरिंग क्रॉस रोड। चैरिंग क्रॉस रोड हमारे होटल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हम लोग सोचे कि बाई वॉक ही निकल जाए ताकि बेटर बेहतर होगा। वहाँ पे पार्किंग का थोड़ा दिक्कत होता है और मैंने चैरिंग क्रॉस रोड पे, तो इसीलिए हमने सोचा कि पैदल ही चल लेते हैं। 15 मिनट का मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे था, इसीलिए हम लोग निकल गए और रास्ते में ही हमें रोज़ गार्डन मिला। काफ़ी हाइट पे है ये रोज़ गार्डन भी, और नीचे की तरफ से आपको ऊपर जाने के टाइम में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आने के टाइम में डेफिनेटली दिक्कत होगा क्योंकि हाइट पे है थोड़ा और मुश्किल हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। हम लोग अभी हैं चैरिंग क्रॉस रोड पे और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है जो कि ओनली फॉर स्ट्रीट शॉपिंग। बहुत तरीके का आपको वैरायटी का जो कि शॉपिंग सेंटर मिलेंगे, फैशन से लेकर के मोबाइल, फार्मेसी सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। फैशन स्टोर आइटम्स भी है यहाँ पे। आगे में है उलेन स्टोर जो कि मोंटे कार्लो का स्वेटर्स वगैरह यहाँ पे मिलता है, और यहाँ से आप विंटर वेयर वगैरह ख़रीदना होगा ऊटी से तो ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टोर है। और ये है चैरिंग क्रॉस रोड पे। चैरिंग क्रॉस रोड थोड़ा बिजी रहता है नॉर्मली डे टाइम पे, और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का स्टोर्स हैं। ये है उलेन स्टोर। वुमेन का ग्राउंड फ्लोर में था, जेंट्स के लिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का जैकेट्स हैं देख सकते हैं, बहुत सारे दिखता हूँ, कुछ अगर मिले तो मैं परचेज कर लूँगा। मैंने ये वाला जैकेट ले लिया है उलेन स्टोर से, और एक कैप लिया। कैप का 300 रुपये के आसपास है, और जैकेट मैंने 1500 का था, लेकिन मैंने इसको ऑफ़र में परचेज किया तो 600 रुपये में मिल गया। अच्छा डील था ये, तो दोनों मिला के 900 से 1000 रुपये के अंदर में मिला। ये हो गया मेरा शॉपिंग, अच्छा डील था। आगे देखते हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ये है चैरिंग क्रॉस स्ट्रीट, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हैं। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अडियार भवन, आनंद अडियार भवन 100% वेजिटेरियन है। कुछ अगर आपको वेजिटेरियन डोसा वगैरह खाना होगा तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। हम लोग अभी पैदल आ चुके हैं यहाँ पे, बैठने के लिए काफ़ी सारे जगह हैं, और
यहाँ पे स्टोर्स हैं, एक जगह देख के बैठ जाते हैं। घी रोस्ट मसाला डोसा काफ़ी फेमस है यहाँ पे, अगर आप अड़ियर आनंद भवन आए तो ये ट्राई करें जरूर। उसके साथ इडली, बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ रहता है इडली। मूडीज चॉकलेट स्टोर है ये। दोस्तों आज की ब्लॉग को यहाँ एंड करना पड़ेगा और मिलते हैं कल सुबह में, रात का लेट हो चुका है। अभी हम लोग खाना पीना खा के रेस्ट ले लेंगे, ऑलरेडी शॉपिंग स्ट्रीट शॉपिंग करके थोड़ा बहुत टायर्ड हो गए थे। रिटर्न आने के टाइम पे हम लोग ऑटो ले लिए और होटल पे आ चुके हैं दोस्तों, और मिलते हैं कल सुबह में। गुड नाइट, टेक केयर।